वही अकाउंटिंग रेशियो चल रहा है। ठीक है जी, अब हम करेंगे एक्टिविटी रेशियोज, या उसको हम टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आप देखिए एक्टिविटी यानी टर्नओवर। टर्नओवर किसी भी फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर सेल है तो फर्म है, सेल नहीं है तो फर्म नहीं है, सेल नहीं है तो फर्म नहीं है। ठीक है जी, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। बिजनेस में सारा जो खेल है सेल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, सबसे पहले अब दिस रेशियो कैलकुलेटेड इन टाइम्स। देखो टर्न कितनी बार घूम गया, ये टाइम्स में निकाली जाती है हमेशा। ठीक है जी, सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला बनाना सीखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सेल्स को हमेशा न्यूमरेटर में रखेंगे, सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल तो आपको पता ही है क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नंबर टू, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो यानी सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है ये भी आपको पता है क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या शेयर होल्डर फंड प्लस लोन्स, जितना भी पैसा हमने बिजनेस में लगा रखा है थ्रू ऑल द सोर्सेज डिवेंचर्स। ठीक है जी, शेयर होल्डर फंड प्लस लोन प्लस डिवेंचर्स, ये फॉर्मूला बनाने का तरीका है। ट्रिक ध्यान रखो, सेल्स को हमेशा न्यूमरेटर में रखना है, डिवाइडेड बाय द, जिसका इसमें वर्किंग कैपिटल पूछा है वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर दिया, इसमें कैपिटल पूछा है कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, गॉट इट। अब आती है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखो स्टॉक जो होता है बुक्स में कॉस्ट पर लिखा होता है, इसलिए लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल की जगह क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वही बात कर रहा हूं, सेल्स न्यूमरेटर में रहेगी। अब स्टॉक भी दो तरीके का होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसलिए क्या लिखा जाता है, एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दैट इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये निकल आएगी आपकी प्यारी सी स्टॉक टर्नओवर रेशियो। उसके बाद आता है डेटर टर्नओवर रेशियो। मान लो कोई और ऐसी आपसे टर्नओवर रेशियो पूछ ले जो आपने पढ़ी ना हो, सिंपल सी बात है, सेल्स को न्यूमरेटर में रखो डिवाइडेड बाय द सेम, डेटर टर्नओवर रेशियो। लो जी, डेटर कौन होते हैं, जिनसे हमने पैसा लेना है, दे अराइज बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल, तो इसलिए लिखनी पड़ती है क्रेडिट सेल, डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। ठीक है जी, अच्छा इसमें एवरेज स्टॉक भी निकाल सकते हैं, एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू। ठीक है जी, ऐसे डेटर से रिलेटेड होती है एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये तभी निकलेगी जब डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकलेगी, तो ये होती है डेज और मंथ डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, मतलब आप इसके बगैर ये निकाल ही नहीं सकते। अब आ जाते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, नंबर 5 में ऊपर लिख देता हूं दिखने में दिक्कत ना हो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, दैट इज व्हाट। क्रेडिटर का संबंध किससे होता है, जिनसे हम उधार खरीदते हैं, जिनसे लोगों से हम सामान उधार खरीदते हैं, क्रेडिट परचेजेस, बस यहां पर ध्यान रखना, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स,
क्रेडिटर्स में बिल्स पेबल भी आते हैं, या लिख लो एवरेज बिल्स पेबल प्लस एवरेज बिल्स पेबल, यहां लिख सकते हैं प्लस एवरेज। एवरेज हमेशा कैसे निकाली जाती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू, इसी से रिलेटेड होता है एवरेज पेएबल पीरियड। डेज और मंथ डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ये फॉर्मूले हैं। आपको मैंने ट्रिक भी बता दी कैसे बना है फॉर्मूला, ये हमेशा टाइम्स में कैलकुलेट होती है। हर चीज का रिलेशन सेल से बना के देखा जा रहा है, सेल्स है तो सब कुछ है, सेल है तभी फॉर्म है, अगर सेल ही नहीं होगी तो फॉर्म भी नहीं होगी। तो इनको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन है 55 से लेकर, हिसाब लगा लीजिए काफी लंबा पड़ता है, 55 से लेकर 92 क्वेश्चन है इसके, 55 से 92 करो नोट, फिर कॉन्सेप्ट समझाते हैं जो बार बार यूज होगा। Pause the video and copy the answer. बड़े जी आगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फॉर्मूलों को याद रखने की ट्रिक होती है, सारे फॉर्मूले रटे नहीं जा सकते, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है वैसे ध्यान रखिए, बहुत आसान लगेगा। देखिए जी ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, मान लीजिए कॉस्ट है 100 रुपीस, प्रॉफिट इज 50% ऑन कॉस्ट। 50% का मतलब क्या होता है, 50/100 यानी 1/2 ऑफ कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, 100 रुपए कॉस्ट है, 50% यानी 1/2, 1/2 कहते हैं कॉस्ट का 1/2 जोड़ दो, इसका 1/2 कितना हो जाएगा 50, तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया 150। तो कंपैरिजन करते हैं, अभी बढ़िया यूज होगा ये क्वेश्चन, कॉस्ट है 100 और सेलिंग प्राइस है 150, अगर इसमें से 50 क्रिएट करना है, क्योंकि प्रॉफिट तो हमने 50 रुपीज ही कमाया है, प्रॉफिट तो हमने कितना कमाया है 50 रुपीज, प्रॉफिट तो हमने कितना कमाया है 50 रुपीज, तो कॉस्ट में से निकालने के लिए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 कितना होता है 50, अगर यही 50 रुपीज सेलिंग प्राइस से क्रिएट करना चाहूं तो 1/3, ठीक है ना। तो कमाया तो 50 ही है, चाहे कॉस्ट से निकाल के दिखाओ चाहे सेलिंग प्राइस से दिखाओ। तो हमेशा याद रखना, अगर प्रॉफिट का केस होगा, कोई चीज कॉस्ट का 1/2 है उसको सेलिंग प्राइस बनाना है, तो 1 को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, वो सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। मान लीजिए 1/3 ऑफ कॉस्ट है, दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस,
मान लीजिए 1/4 ऑफ कॉस्ट है, दैट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस. तो ये आपका कंसेप्ट आ गया, ठीक है ना. मान लो कोई चीज 2/5 ऑफ कॉस्ट है, उसको सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट करना, दैट इज 2/7 ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज 2/7 ऑफ सेलिंग प्राइस. अब लॉस में उल्टा हो जाता है. मान लीजिए कोई चीज है 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो वो 1/2 ऑफ सेलिंग प्राइस रह जाएगी इन द केस ऑफ लॉस. प्रॉफिट में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं और लॉस के केस में, लॉस के केस में माइनस करते हैं. मान लीजिए 1/4 ऑफ कॉस्ट है, तो 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस होगा. 1/5 ऑफ कॉस्ट है, तो 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है जी. इसको याद रखना है, बहुत यूज होगा अभी इन क्वेश्चनों में. देखो जी, मैंने सारे अनसॉल्व क्वेश्चन करा देने हैं. अगर आप और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो, सारे इलस्ट्रेशंस कर लो, ठीक है जी. बल्ले बल्ले तभी होगी. ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. लो जी, क्वेश्चन नंबर 55. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 55, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज 4,50,000. एवरेज स्टॉक निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट, 125,175. ठीक है जी, देयरफोर स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. आप पूरा लिखेंगे, मैं जल्द में लिखता हूं क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत सारे करवाने होते हैं. तो जो हमारी सेल्स है वो स्टॉक से 3 times ज्यादा है. स्टॉक टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाओ जी. स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछता है, ठीक है जी. लो जी, सबसे पहले आ जाओ, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है. सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर सकते हैं. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरिज इन वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी. वही कॉग्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी. ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, नीचे आ जाओ, 1,25,000. परचेजेस ऊपर दे रखी हैं, 1,25,000 प्लस
परचेजेस कितनी है ध्यान से देखो, परचेजेस 3 लाख, नीचे देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरिज इनवर्ट दे रखा है, आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, कैरिज इनवर्ट कितना दे रखा है 15,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 75,000, ₹95,000 ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स, एक मिनट सॉरी ये 3 लाख है, गलती है, ₹3,65,000, ठीक है जी। एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, दोनों देर नजर आ रहे हैं, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, चीजें ढूंढनी आनी चाहिए। 1 लाख, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक, ₹3.65 times। लो जी क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे, क्वेश्चन ऐसे धीरे धीरे फटाफट खत्म करने होते हैं। 57 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, परचेजेस दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो सीधा दे दी उसने, क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान से देखो क्लोजिंग स्टॉक तो दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंटरी दे रखी है, परचेजेस भी दे रखी है, 5 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है जी 1 लाख, 5,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होगा 6,50,000 माइनस 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1,50,000। एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, लो जी 1,00,000 1,25,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक, लो जी कितना है जी 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000, 4 times। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। Again repeat, pause the video and copy the answer. के बाद 58 ओपनिंग दे रखा है, परचेजिंग दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 30%, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक 50,000, ठीक है जी, ध्यान से परचेजेस 3,90,000, रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स,
इसने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू लिखा, सेल्स ही रेवेन्यू लिखा, रेवेन्यू इज 6 लाख। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 30%। अब किसका है ये, कॉस्ट का है या सेल्स का? कुछ ना दियो तो जो चीज दी होगी उसी का मान लेंगे, तो ये माना जाएगा ऑन सेल्स। देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 6 लाख का 30%, 1,80,000। सो कॉग्स क्या होती हैं, सेल्स माइनस जीपी। चार लाख बीस हजार। ठीक है जी, अब निकालेंगे प्यारा सा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक अगेन देखो जी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। लो जी, अब ओपनिंग तो है इसमें, ओपनिंग नो डाउट 5 लाख दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 50,000। कॉग्स आ गया, कॉग्स का फॉर्मूला लगाओ, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। लो जी, कॉग्स कितना है, 4,20,000। ओपनिंग 50,000, परचेजेस पता है हमें कितनी है, 3,90,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0, क्लोजिंग। लो जी, 4,40,000 क्लोजिंग स्टॉक, 20,000। अब एवरेज निकल आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 35%। सो एसटीआर, ऐसा क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज्यादा होता है, सब कुछ आपसे उसने करवा लिया। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है जी, 14 times, नहीं इसमें देख लेते हैं कितना होता है, ये हो गया आपका 12 times आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ गया, 12 times। करो नोट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। आओ जी, क्वेश्चन को समझो, सब कुछ दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 29,000, क्लोजिंग स्टॉक 31,000, फट से एवरेज स्टॉक निकालो। ठीक है जी, रेवेन्यू दे रखा है, ध्यान से देखो, रेवेन्यू यानी सेल्स, ब्रैकेट में लिखो सेल्स, रेवेन्यू दे रखा है जी 3,20,000। हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब परसेंटेज देखो क्या दे रखी है, रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, बहुत सिंपल कर दिया उसने क्वेश्चन, सेल्स दे रखी है और परसेंटेज भी किसकी दे रखी है, सेल्स की, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 3,20,000 का ही कितने परसेंट है जी, 25%।
3,000. Therefore, COGS sales minus GP. ₹2,40,000. Stock turnover ratio. COGS upon average stock. Yani 3 times. Question number 16. Lo ji. Revenue sales ye rakhi hai. Bahut hi aasan hai ye to closing. Thoda language ko samjho. Cost of goods sold seedha nikal aayega isme. Sales minus GP. सेल्स कितनी है 4,00,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 1,00,000. ₹3,00,000. लैंग्वेज को समझो. फिर उसने क्लोजिंग इन्वेंटरी बताया है. क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000. 1,20,000. देयरफॉर ओपनिंग उसने बोला जो क्लोजिंग है ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है. ऑब्वियस ओपनिंग कितना रहेगा 80. देयरफॉर एवरेज स्टॉक दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 1,00,000. सो एस टी आर कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक. थ्री टाइम्स करो जी. पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. Question number 61. लो जी सेल्स दे रखी हैं. हमें चाहिए नेट सेल्स. हमें क्या चाहिए नेट सेल्स. नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. फाइव लाख में से 50,000 गए. That is only 4,50,000. This is called sales. हमें चाहिए cost of goods sold. Sales minus GP. वो भी दे रखा है. कितना ध्यान से GP दे रखा है 90,000. This is 3,60,000. ठीक है. उसके बाद closing stock दे रखा है 1,20,000 दे रखा है. क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,00,000. कहता क्लोजिंग ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है. यानी इशारा समझो उसका. ओपनिंग स्टॉक कितना रहा होगा 80,000. देयरफॉर एवरेज स्टॉक. एवरेज क्या होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90,000. सो एस टी आर कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक. कॉग्स कितना है हमारा 3,60,000. 4 times. क्वेश्चन नंबर 62. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ इन्वेंटरी रेशियो. बहुत वेरी गुड क्वेश्चन. लो जी वन बाय वन करेंगे. कॉग्स इज 2,00,000 एंड एसटीआर का फॉर्मूला होता है COGS upon average stock. तो जी एस टी आर कितना दिया गया इसमें 8 times. 2,00,000 एवरेज स्टॉक हो गया 25,000.
नाउ लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है. एवरेज स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 25,000. कंडीशन पे जाओ. कंडीशन क्या कहती है कि इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स, ठीक है ना. अगर ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी एक्स है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी? 1.5x. ठीक है जी, ये आ गया ओपनिंग. देयरफॉर क्लोजिंग 1.5x. दिस इज क्लोजिंग. गॉट इट? 63. ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है जी. स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है. ओपनिंग क्लोजिंग परचेजेस. ओपनिंग है 40, परचेजेस है, ओपनिंग है 40, क्लोजिंग है 120, देयरफॉर एवरेज स्टॉक 80,000, ठीक है जी. परचेजेस, परचेजेस आ गया आपका 3,20,000. सो कॉग्स, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, 40,000. 1,20,000, सॉरी परचेजेस 320, क्लोजिंग है 1,20,000, 2,40,000. सो एसटीआर कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक. थ्री टाइम्स कितना आ गया? 3 times. और 63 भी हो गया. करो जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. Pause the video and copy the answer. Question number 64. Opening stock, closing stock, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरिज इनवर्ट दे रखा है. लीजिए, ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 20,000, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 10,000. देयरफॉर एवरेज स्टॉक 15,000. परचेजेस 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंस कैरिज इनवर्ड है. अब आएगा आपका
COGS, cost of goods sold. Opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock. So STR COGS upon average stock. Closing inventory, total sales, total purchases, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Cost of goods sold, तो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है. यहां पे हमारी ट्रिक काम आएगी. क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 68,000. यहां हमें दे रखी है सेल्स. सेल्स कितनी दे रखी है जी, 4,80,000. प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट. पॉइंट समझो, प्रॉफिट दे रखा है कॉस्ट का. स्टार देखो इस पे, प्रॉफिट दे रखा है कॉस्ट का, दे रखी है सेल. 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल्स. देयरफॉर जब प्रॉफिट निकालेंगे तो 4,80,000 पर 1/5 के हिसाब से निकालेंगे 96,000. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस जीपी, ₹3,84,000. ये आ गई आपकी प्यारी सी कॉग्स. ठीक है, सब कुछ निकालना है, ओपनिंग स्टॉक भी निकालना है. कॉग्स का फॉर्मूला लगा देंगे. कॉग्स क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग पता नहीं, परचेजेस पता है, फॉर्मूला लगाएं, आंसर पाएं 3,60,000. कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है कोई, नहीं. माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 68,000. ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस ये इधर ले आएंगे तो 292 आ गया. दैट इज ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक हो गया 92,000. ठीक है जी, कीजिए. देखिए स्टॉक टर्नओवर ही चल रहा है अभी तक, और ये अप्रोक्सीमेटली चलेगा 70 तक स्टॉक टर्नओवर रेशियो ही चल रहा है. गॉट इट, कीजिए. Pause the video and copy the answer. फाइव पे आ गए. बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो. ठीक है जी, 66.
66 पे आ जाओ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइम्स, सेल्स लैंग सेल्स में फंसते हैं सबसे ज्यादा बच्चे, 2 लाख, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, जो चीज दी हुई उसी का माना जाएगा ऑन सेल्स, सो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 2 लाख का 25% विच इज इक्वल टू 50,000, कॉग्स हो गया आपका सेल्स माइनस जीपी, एक लाख 50,000, एसटीआर लगाओ कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक, अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगाओ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, क्या बोला है इसने, क्लोजिंग इज मोर देन द ओपनिंग, ओपनिंग अगर जितना भी है क्लोजिंग मोर है, टाइम्स नहीं लिखा मोर लिखा है, यानी कि अगर ओपनिंग एक्स है तो क्लोजिंग हो जाएगा एक्स प्लस 4000, कितना एवरेज स्टॉक 30,000, पेपरों में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिएगा, डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, एक्स आ गया 28,000 ओपनिंग, क्लोजिंग उससे 4,000 ज्यादा है, लो जी क्वेश्चन नंबर 67, लो जी गॉट इट, इसने क्या पूछा है इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स वगैरह सब बताने, लो जी STR 8 times which is equal to 8 is equal to COGS upon average stock, लो जी एवरेज स्टॉक आपका आ जाएगा, दोनों इन्वेंट्रीज दे रखी है 80,000, सॉरी 6,40,000 is equal to COGS, ये है कॉस्ट, ये है कॉस्ट, ठीक है जी, प्रॉफिट कैसे दिया 25% अबव कॉस्ट, ठीक है 1/4 ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट है तो कॉस्ट का ही दे रखा उसने परसेंटेज, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, 1,60,000, कॉग्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी, उसने हमसे सेल्स पूछी है, निकाल देते हैं बेसिक फॉर्मूले, ध्यान रखिए कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व होते जाना है, 8 लाख आ गया आपका सेल्स, रुपीज 8 लाख, सेल्स पूछा, सेल्स हमने बता दिया है, ठीक है जी, पॉज पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, क्वेश्चन नंबर 68, एसटीआर दिया हुआ है 5 times, कॉक्स दे रखा है 18 lakhs, लगाओ जी एसटीआर का फॉर्मूला,
average stock. Opening plus closing divided by 2. If opening is x, closing क्या बताया उसने 3.5 times, एक मिनट, inventory at the end 2.5 times more than that the beginning. Language ध्यान से पढ़ना, फंस जाओगे बहुत बुरी तरह. कहता है opening अगर x है तो times नहीं बोला, more बोला है. भी opening से भी 2.5 times ज्यादा है. इसमें स्टार मार लेना, क्वेश्चन अच्छा है. एक लाख साठ हजार दैट इज इक्वल टू एक्स ओपनिंग क्लोजिंग 3.5x 5,60,000. क्वेश्चन नंबर 69. लो जी, ये भी सेम ही क्वेश्चन है. कॉक्स दे रखा है 3,00,000. एसटीआर दे रखा है 8 टन. लगाओ जी एसटीआर का फॉर्मूला. कॉक्स अपॉन एवरेज स्टॉक हो गया 3,00,000 रुपए से 37,500. इसमें भी वही चक्कर है. एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 37,500. ओपनिंग अगर एक्स है, क्लोजिंग अगर 2 times मोर, यानी ओपनिंग में 2 times और जोड़ना पड़ेगा 4x. x हो गया, ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग. 77,000 डिवाइडेड बाय 4, 18,750. x दैट इज इक्वल टू ओपनिंग क्लोजिंग, दिस इज क्लोजिंग 3x. छप्पन हजार दो सौ पचास दैट इज इक्वल टू क्लोजिंग. ठीक है जी, 69 भी हो गया, 70 भी कर देते हैं. चलो 70 लंबा पहले से करो, फिर 70 करते हैं. ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. कैश सेल इज 25% ऑफ द क्रेडिट सेल. क्रेडिट सेल इज दिस मच. लो जी, कैश सेल इज इक्वल टू 25% ऑफ क्रेडिट सेल. सेल ठीक है जी, एंड क्रेडिट सेल दे रखी है 3,00,000. लो जी,
पहले लिखेंगे टोटल सेल। टोटल सेल क्या होती है जी, कैश प्लस क्रेडिट, ठीक है जी। क्रेडिट दे रखी है 3 लाख, कैश होगी 25% ऑफ क्रेडिट सेल, तो टोटल सेल कितनी होगी 3,75,000। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो, केस वन, ठीक है जी। ओके, 20% रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन रेवेन्यू, यानी सेल्स का 20% फ्रॉम ऑपरेशन, सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, पिछहत्तर हुआ। तो कॉग्स क्या हो गया, जिसकी कैलकुलेशन ठीक है वही आगे जाता है, ध्यान रख लेना जीवन में। ठीक है जी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे ही रखी है, कितनी स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालनी, ओपनिंग भी दे रखा है क्लोजिंग भी दे रखा। ओपनिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000, देयर फॉर एवरेज स्टॉक 1,00,000। सो एसटीआर कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक, थ्री टाइम्स, दिस इज केस वन, ठीक है जी। अब करेंगे केस टू, कैश सेल इज 20% ऑफ द टोटल सेल एंड क्रेडिट सेल दे रखी है 4,50,000। लिखो जी पहले टोटल सेल, कैश प्लस क्रेडिट, ध्यान से बोलो क्या दे रखा है जी, क्रेडिट सेल दे रखी है 4,50,000। कहता कैश सेल इज 20% ऑफ टोटल सेल, टोटल सेल एक्स ले लो तो ये होगा 20/100 ऑफ एक्स, यानी 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4,50,000, एक्स होगा 4,50,000 इंटू 100/80, ठीक है, इंटू 100/80, ये आ गया भगवान के फजल से डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5,62,500। अब क्या बता रखा है ध्यान से देखो, अच्छा जी, प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट विच इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल्स, सो प्रॉफिट सेल्स का लगा देंगे 1/5, 1,12,500। कॉग्स आ गया सेल्स माइनस जीपी, चार लाख पचास। सो एसटीआर कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉग्स एवरेज स्टॉक दे रखा है जी, एवरेज स्टॉक में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों 75 से आ जाएगा जी, आराम से निकाल सकते हो वो तो आप, खैर 75 सिक्स टाइम्स, ठीक है जी, करो नोट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर।